महाकुंभ में आंधी तूफान से हादसे के बावजूद आस्था में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। आज सुबह भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने रामघाट में डुबकी लगाई, प्रार्थना की। कल तूफान और बारिश की वजह से हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद घायलों का आज हालचाल जाना। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए और सामान्य रूप से घायलों को 10,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही सभी श्रद्धालु जो घायल हैं इनका इलाज भी मुफ्त में कराने का ऐलान किया गया है। तो ये सुबह की आज आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आस्था की डुबकी भी लग रही है। कल जिस तरह से बारिश और आंधी ने पंडाल को नष्ट किया और उसके बाद नुकसान पहुंचाया, कई श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है। और हमारे साथ शरद इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद, मुझे ये बताइए कि श्रद्धालु और एक तरीके से कई साधु संत ये बात लगातार कह रहे थे कि अव्यवस्था है, सरकार को कुछ किया जाना चाहिए, क्या कहें कि ध्यान नहीं उस तरीके से दिया गया, एक अव्यवस्था देखने को मिली? देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसे अव्यवस्था की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से इस तरह की घटना हुई और एक क्षेत्र के कुछ एक दो पंडाल जो है वो गिरे हैं जिसके चलते पूरा घटनाक्रम हुआ है। लेकिन बाकी का क्षेत्र जो है, चाहे वो भूखी माता का क्षेत्र देख लो या फिर उजेरखेड़ा का क्षेत्र देख लो, तो ये तमाम क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। और यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं को जो रात में थे उनको इन्हीं जगह पर भेजा गया था और यहीं पर रुके थे। यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति का ही एक तरह से प्रकोप था जो कहीं ना कहीं साबित करना चाहता था कि उसका भी एक वजूद है। लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था भी यहाँ कम नहीं पड़ रही है। तमाम श्रद्धालु, यदि मैं दृश्य दिखाऊं आपको, तो तमाम श्रद्धालु अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद होकर यहाँ पर श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ये उस बात का परिचय देता है कि यहाँ पर कोई भी प्रहार हो, प्रलय हो, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धा जो होती है अजर होती है, अमिट होती है। और उसके चलते यहाँ पर जो भीड़ आपको साफ तौर पर देखी जा सकती है, भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। प्रशासनिक अमले ने पूरी व्यवस्थाओं को नियंत्रित कर लिया है, पूरा मेला नियंत्रण में है, किसी प्रकार की कोई आपाधापी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर छोटी मोटे जो जिनको चोट आई है, जिनका जो इंजर्ड है उनका इलाज लगातार जारी है, उनको अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। किसी को इंदौर में भेजा गया है, किसी को निजी अस्पताल में यहाँ पर भेजा गया है। और जो मृत हुए उन्हें 5 लाख रुपए तो उन्हें दिए जाएंगे, साथ ही 2 लाख रुपए का जो बीमा किया गया था। चलिए, जानकारी देने के लिए फिलहाल और वहाँ की तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।